सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीआर के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक जो करके जाना। अगर नए बोल जो चैनल पर या मेरी वीडियो डेली देखते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। कल संडे और आज मंडे होने की वजह से पीपीआर थोड़ी कम आई है, बट मेरे पास कुछ पीपीआर ऐसी हैं जो मैंने वीडियो में नहीं डाली थी, सो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली हमारी टाइमलाइन है, वाहेगुरु मेहर करे, पीपीआर आ गई मेरी भी। 25 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। मेडिकल रिक्वेस्ट इनको 20 जुलाई को मिली थी, मेडिकल डन इनका 25 जुलाई को हुआ था एंड मेडिकल पास 1 अगस्त को हुआ था। बीवीएल इनको 11 अगस्त को मिला था एंड उसके बाद 13 अगस्त 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगली टाइमलाइन। विद गॉड ग्रेस रिसीव माय पीपीआर टुडे, फाइल सबमिट डेट 19 अप्रैल 2022। 25 अप्रैल को इनके बायोमेट्रिक हुए थे, 2 अगस्त 2022 को इनको मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी, मेडिकल डन इनका 6 अगस्त 2022 को हुआ था एंड 13 अगस्त 2022 को इनको भी बीपीआर मिल गई थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 14 मई 2022 की टाइमलाइन है। बायोमेट्रिक इनके 20 मई को हुए थे, मेडिकल इनका अपडेट था 18 अप्रैल का, 26 मई को मेडिकल भी अपडेट हो गया था एंड 29 जुलाई को इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 10 अगस्त को इनको गोस्ट अपडेट आई थी, 12 अगस्त 2022 को इनको बीपीआर मिल गई थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन आ गई पीपीआर पर जी, 6 मई 2022 की टाइमलाइन है। ये सब मेरी इंस्टाग्राम पर आई हुई पीपीआर हैं जो मैंने कल ही देखी थी एंड 16 मई 2022 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे एंड 12 अगस्त 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 14 मई 2022 की टाइमलाइन है। 12 अगस्त 2022 को इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर मिला था, बायोमेट्रिक इनके पहले ही हो रखे थे जीसीकी में एंड 12 अगस्त 2022 को इनको भी पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी आज की जो आखिरी टाइमलाइन है, 20 जुलाई 2020 की टाइमलाइन है एंड 28 जनवरी 2021 को बायोमेट्रिक हुए थे, फरवरी 2022 में इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 5 मई 2022 को इनका इंटरव्यू हुआ था एंड उसके बाद वीजा रिफ्यूज हो गया इनका 14 अगस्त, मतलब कल इनका वीजा रिफ्यूज हो गया संडे वाले दिन एंड मेडिकल था जो इनका 22 जुलाई को हुआ था एंड इनको जो रिफ्यूजल का रीजन दिया गया वो तुहाडा प्रोसेस ऑफ विजिटिंग लॉन्ग स्टे करन दा एंड 2 साल 24 दिन बाद इनको याद आया। इन्होंने बोला कि इनको 2 साल 24 दिन बाद याद आया कि इनका लॉन्ग स्टे का प्लान और इनको रिफ्यूजल मिल गई। सो इनका इंटरव्यू भी हुआ, मेडिकल भी हुआ एंड उसके बाद इनको रिफ्यूजल मिली। सो एम्बेसी ने इनके साथ बहुत गलत किया है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो अगर आपने कोई फाइनल डिसीजन देना होता है तो आपको पहले देना चाहिए। 2 साल वेट करने के बाद अगर आपको पता चले कि आपकी रिफ्यूजल आई है सो बहुत ज़्यादा गलत है। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके आना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी पेपर के साथ। टिल देन बाय बाय।